अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए नई प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आए हैं। ये आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेफ्टी के लिए इस्तेमाल हो सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास टॉमसन की ओरिजिनल जो है वो एक रिले है जो कि 60 एम्पेयर तक करंट और 220-50 हर्ट्ज तक है। अगर आप इसकी पूरी जो है ना स्पेसिफिकेशन डिटेल के लिए जाना चाहते हैं तो आप इसका क्यूआर कोड जो है वो स्कैन करके देख सकते हैं। आज जो हमारे पास प्रोडक्ट आई है वो है टॉमसन की टच स्क्रीन अंडर ओवर वोल्टेज और एम्पेयर विद जो है ना आपके जितने यूनिट खर्च होंगे वो भी आपको जो है ना नीचे डिस्प्ले में आएगा। हम आपको इसकी ना सिर्फ सेटिंग समझाएंगे बल्कि आपको इसकी जनना तरीका कार भी बताएंगे लगाने का। अच्छा दोस्तों, इसके लिए आपको न्यूट्रल और फेस का ख़ास ख्याल रखना। अगर आप ये देखें, ऊपर न्यूट्रल फेस है इन साइड पर और ये लाइन है, ये न्यूट्रल है। इसी तरह नीचे भी इसका इसी तरह ही है न्यूट्रल और ये लाइन है, क्योंकि इनकी जो रिले वगैरह का जो सिस्टम होता है वो फेस पे होता है। तो आपको हर हाल में जो है आपकी लाइन जो है वो लाइन पे देंगे और न्यूट्रल जो है ना वो न्यूट्रल साइड पे देंगे, अदरवाइज़ आपको वो प्रोटेक्शन नहीं मिल सकेगी जो इसकी ज़रूरी है। दोस्तों, आज हम जिस चीज़ का रिव्यू और अनबॉक्सिंग लेके आए हैं वो है टॉमसन की अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस। अच्छा, मज़ेदारी की बात यह है कि 220 और से 240 वोल्ट तक ये बर्दाश्त करती है और इसमें आप एम्पेयर अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। और टच होने की वजह से आपको मैनुअल बटन वाली भी मिलेंगी और ये टच स्क्रीन के साथ है, तो इसकी जो है ना सेटिंग्स भी हैं। आप इस पे अंडर ओवर प्रोटेक्शन जो है वो रख सकते हैं, एम्पेयर जो है वो फिक्स कर सकते हैं और आपके जो किलोवाट आवर्स जो है ना खर्च होंगे वो भी आप इस पे चेक कर सकते हैं। तो ये 3 से 4 फंक्शन हैं। और अच्छा, इसमें आप डिले टाइम भी सेट कर सकते हैं। हमें ना सिर्फ आपको इसकी सेटिंग समझाएंगे बल्कि आप इसको बाकी खसूसियात भी देख कर बताते हैं। दोस्तों, ये टॉमसन की बहुत अच्छी जो है मकसद अंडर ओवर प्रोटेक्शन रिले है। आपको इसमें मोरा की भी मिल रही हैं, लेकिन अभी जो रिसेंटली आ रही हैं वो टॉमसन ही है जो मकसद सबसे आगे, और टच स्क्रीन में तो शायद अभी तक मेरी नज़र में से जो गुजरी है वो टॉमसन ही है। दोस्तों, ये आपके सामने आ गई है टॉमसन की जो रिले है वो आपके सामने पहुंचाई है। और इसको हम अभी जो है ना इसके कनेक्शन करते हैं और कनेक्शन के बाद आपको इसके बारे में बताते हैं। बाकी आपको एक ओवरव्यू दे दें, ये इसका नंबर है। ये ऊपर से इसको आप जो है न्यूट्रल और फेस अलहदा अलहदा से देंगे, और न्यूट्रल और फेस के लिए इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि न्यूट्रल और फेस इसका फेस पे जो है लाइन पे जो है वो रिले सिस्टम है और न्यूट्रल पे नहीं है। और बाज़ औक़ात जो है हमारे यहाँ न्यूट्रल डिस्कनेक्ट हो जाती है तो आपको वो प्रोटेक्शन नहीं दे सकेगी जो इसको देना चाहिए। तो आइए इसके कनेक्शन करते हैं और फिर आप इसके जो है ना प्रोग्रामिंग समझाते हैं कि इसको कैसे आपने प्रोग्राम करना है। दोस्तों, अब हम इसको ऑन कर रहे हैं। मैंने इसकी तारें जो है ना वो लगा दी हैं, न्यूट्रल और फेस जो है ना अलहदा अलहदा से लगा दी है। ये देखिए, ये लाइन है तो हमारा टेस्टर इस पर जो है ना इस वक्त जल रहा है। अगर आप देखेंगे तो इस पर आपको इस वक्त 240 वोल्ट जो है नज़र आ रहे हैं और इसमें टाइमिंग है। अगर आप इसको रीसेट करना चाहें तो मैं रीसेट के लिए भी आपको बता दूंगा। हम इसके जो है सेट बटन को दबाएंगे। ये देखिए, ये ओवर जो है वो 45 वोल्ट है, 245 है। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो इस वक्त 240 वोल्ट जो है ये शो करा रही है। हमने इसकी सेटिंग के लिए आपको इसका सेट वाला बटन जो है आपको कुछ देर के लिए दबा के रखना पड़ेगा, और इस तरह से जब ब्लिंकिंग शुरू हो जाएगी तो आप इसको, जैसे मैं इसको 250 पे रखना चाहता हूँ ओवर वोल्टेज, और इसको कम करना चाहता हूँ, मैंने 245 जो है ना कर दिए, आप दोबारा इसको दबाएंगे तो ये अंडर वोल्टेज 190 आ रहे हैं। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने जैसे 200 कर दिए, और इसी तरह आप इसको कम करना चाहें तो आप कम भी कर सकते हैं। ये देखें, मैं इसको 190 पे रखना चाहता हूँ तो ये 190 हो गए हैं। इसी तरह अब मैं इसको सेट एम्पेयर पे जाऊँगा तो ये 16 एम्पेयर जो है सेट है। इसको आप बढ़ा और कम दोनों कर सकते हैं। 16 एम्पेयर पे आने के बाद आप इसको बढ़ाना चाहेंगे तो ये पॉइंटों में बढ़ेंगे। आप देखेंगे कि
ये देखिए ये पॉइंटों में बढ़ रहे हैं, 17 हो गए। और इसी तरह अगर मैंने इसको 16 पे रखना चाहता हूँ, 16 एम्पेयर पे, तो ये देखें 16 एम्पेयर हो गए। अगर मैं इसको करूँगा तो ये अभी स्किड चल रहे हैं कि आपका जब भी कोई मसला फॉल्ट आएगा तो कितनी देर के बाद जो है ये इसको सेट करे। जैसे मैंने जो है ना इसको सेट किया हुआ है 10 एम्पेयर पे, 10 सेकंड पे, तो ये 10 सेकंड पे जो है ना ये बिल्कुल ऑन हो जाएगी। जैसे अभी मैं देखा हूँ आपको तो ये ऑन है, लेकिन मैं अगर इसे बंद करके चलाऊँगा तो ये पूरे 10 सेकंड के बाद जो है ऑन हो जाएगी। देखें अभी हमारे पास इधर लाइन नहीं आ रही है, और ये देखें ये 10 सेकंड के बाद अभी लाइन जो है हमारा टेस्ट शो करा रहा है। इस पे लाइट वगैरह भी आप लगा के चेक कर सकते हैं कुछ भी। इसी तरह आपको इस वक्त मैंने लोड नहीं लगाया, लेकिन आप इसको लोड पे भी लगाएंगे तो आपको लोड भी जो है मकसद यूनिट जो भी आपके कंज्यूम होंगे वो भी करेंगे। ये आपके ब्रेकर का काम करेगी, जूँ ही जो है ना ओवरलोड होगी तो आपको डिस्कनेक्ट कर देगी, अंडर ओवर वोल्टेज की प्रोटेक्शन करेगी अपने घर को, और ये 63 एम्पीयर तक जो है काम कर सकती है। अगर आपको ऐसी हमारी वीडियो, हम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट के बारे में बहुत सारी वीडियो लाते रहें, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और हमारा चैनल अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब भी करें। हम ऐसी बहुत सारी वीडियो लाते रहते हैं और इलेक्ट्रिकल के मतलब बहुत सारी टिप्स और बहुत सारी चीज़ें आपको देते हैं। ये भी हमारे घर की ज़रूरत है, अंडर ओवर प्रोटेक्शन रिले हमें लगानी चाहिए। हमारी हसास चीज़ें कंप्यूटर्स और माइक्रोवेव ओवंस फ्रिज वगैरह वो जो है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। Tech Reviews with Rural Man by Sarfaraz.